नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की राजनीति में आज एक नई पार्टी का आगाज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने आज एक नई पार्टी का आगाज कर दिया। उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है भारतीय राजनीति में। ये जो नई पार्टी आई है, इसका नाम है जन सुराज। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि प्रशांत किशोर एक बहुत जाने माने रणनीतिकार हैं चुनाव के। इन्होंने ऐसी शायद ही भारत में कोई पार्टी है जिसके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कार्य ना किया हो। इन्होंने लगभग सभी पार्टियों के साथ चुनावी काम किया है और इनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। हम लोग उस वक्त से इनको पहचान रहे हैं जब से ये नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए चुनाव लड़वा रहे थे। और 2014 में हम लोगों को देखने को मिला कि देश को एक प्रधानमंत्री मिले नरेंद्र मोदी के रूप में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये कांग्रेस के साथ भी गए और ये जनता दल यूनाइटेड के साथ भी गए। तो फाइनली इन्होंने देखा कई पार्टियों के साथ काम किया और उसमें अच्छे रिजल्ट लेकर आए। आपको ये बता दें कि ये फिर मूलतः ये बिहार से हैं और इन्होंने नीतीश कुमार के साथ जब चुनाव लड़वाया तो नीतीश कुमार को इन्होंने चुनाव जितवाया भी। और नीतीश कुमार बहुत अच्छी सीटों के साथ राज्य में सरकार की वापसी कर लाए और सरकार में मुख्यमंत्री बने प्रदेश के। उसके बाद से कुछ इनके प्रशांत किशोर जी और जनता दल यूनाइटेड में कुछ अनबन सी हो गई। उसके बाद फिर इन्होंने जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो ज्वाइन कर ली थी उससे इन्होंने इस्तीफा दिया और बाहर आ गए। और इन्होंने ये निर्णय किया कि ये बिहार के लिए एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश करेंगे। और इन्होंने फिर जन सुराज नाम से एक नया आज पार्टी बना दिया। हालांकि ये पिछले कई सालों से उस पर काम कर रहे थे और लगभग 5500 गाँवों में इन्होंने सभाएँ करी हैं, जनसभाएँ 5500 बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। वहाँ पर गए और तरह तरह के लोगों के साथ मिले। उसके बाद उन इन लोगों को इकट्ठा किया और इन्होंने एक करीब 1 करोड़ सदस्य बना लिए हैं। और 1 करोड़ सदस्य बनने के बाद आज इन्होंने अपनी पार्टी का लॉन्च कर दिया है जन सुराज के नाम से। और इनका ये कहना है कि ये मार्च में अपना एक नया अध्यक्ष लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष दिया है मनोज भारती के नाम से। अब ये बोल रहे हैं कि बिहार की विधानसभा की चुनाव में लड़ना है और पूरी 243 सीटों पर लड़ना है। किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना है, अपने ही दम पर अकेले चुनाव लड़ना है और सत्ता में आना है। और जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे प्रशांत किशोर। इनका ये कहना है कि ये पार्टी में किसी पद पर भी नहीं रहेंगे। और आपको ये बता दें कि पूरी 243 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं उसमें से इनका ये कहना है कि ये करीब 40 सीटों पर मुसलमानों को टिकट देंगे और उस पर उनको चुनाव लड़वाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये बिहार में ये राजनीति में आए हैं तो इन्होंने ये देखा है कि हमको कुछ गैप दिख रहा है, उसको इन्होंने फिल करने की कोशिश करी है। ये लालू यादव को मेन टारगेट करते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव को। इनका ये कहना है कि वहाँ पर ये यादवों की पार्टी है लेकिन यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा, वो भी उस परिवार का ही बनेगा लालू यादव के, उससे बाहर कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो एक ऐसी पार्टी को अब आपको लेकर आना है कि उसमें एक गरीब का बच्चा भी मुख्यमंत्री बन सके, यादव के बाहर का भी मुख्यमंत्री बन सके। इनका अब ये ऐसा कहना है दोस्तों। तो इनका अब देखने वाली बात है कि ये आखिर कैसे क्या करते हैं। ये लालू यादव की ये जो वोट है, वोट बैंक, उसको ये पूरी तरह से कैप्चर करना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। ये अगर लालू यादव को अपने वोट बैंक में सेंध लगा लेते हैं दोस्तों तो ये वाकई बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि अब उसमें वो बात नहीं है जो पहले हुआ करती थी, वो अब लगभग ख़त्म सी हो गई है वो पार्टी। हालांकि राजनीति में कभी कोई ख़त्म नहीं होता है, राजनीति में कभी भी कोई बाउंस बैक कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की हालत वहाँ पहले से ही ख़राब है। अब रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जिस हिसाब से नीतीश कुमार के साथ में रह के चुनाव लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन को और मजबूत करना चाहिए, अकेले रह के चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें वहीं एक पार्टी है रामविलास पासवान जी की, जो चिराग पासवान उनके बेटे पार्टी को चलाते हैं। उन्होंने
प्रशांत किशोर को चुनाव में आने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये बोला है कि प्रशांत किशोर जी नए एक पड़ाव पे आ रहे हैं, इसमें उनका स्वागत है, लेकिन अभी वो पता नहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो किसी पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे और किस हिसाब से वो अपनी भूमिका देखते हैं पार्टी के अंदर का, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर जी बिल्कुल अपने जय बिहार का नारा लगाते हुए अपनी पार्टी को लॉन्च कर दी है। अब दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि जो 2025 में विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें कैसा क्या रिजल्ट आता है और प्रशांत किशोर की पार्टी क्या कर पाती है। क्या ये जैसा कि इन्होंने दूसरों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवाया है तो क्या अपनी पार्टी से भी वो ये कारनामा करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, ये देखने वाली बात है कि बिहार की जनता आखिर क्या निर्णय लेती है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।